ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। हाय हाय इतना सुकून भाई साहब तुम लोगों को जो इतना बड़का वाला सुकून इसमें मिल रहा है ना वो एक दिन तुम लोगों का ऐसा सुकून छीन लेगा कि ना तो लड़की तुम्हारी होगी और ना ही तुम लोग घर वालों के होगे। अबे साले जो आजकल हमने तुमको यखिया फाड़ कर देखा फिर तुम भी हमको देख के शर्मा गई वाला माहौल चल रहा है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत आने वाले समय में तुम्हारा माहौल ऐसा बिगाड़ेगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या। भाई साहब मैंने भी ना उसी मुस्कुराहट के पीछे पूरे अपने 7 दिन बर्बाद कर दिए। अच्छा और फिर आज 8वें दिन ये वीडियो हुआ बनाकर अपने करियर वाला जो पटरिया है उस पर वापस लौट आया। खाओ माँ कसम। वो भी कसम खाकर बोलती है कि बाबू मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सही पकड़े हैं। फिर एक दिन तुम बड़े प्यार से अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो बेवफा 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 निकल गई। ये बंदे के पास बॉडी होनी चाहिए और बंदा लंबा होना चाहिए बस कुछ भी। अभी दीदी अपना ख्वाहिश तो बता दी कि मुझे बॉडी बिल्डर लंबू चाहिए और इनको सिर्फ इतना ही सुनने से मतलब है कि दुनिया बोले वो देख बंदा जा रहा है। लेकिन एक सेकंड कहीं लड़के ने भी अगर बोल दिया कि मैं भी उसी लड़की से बात करूंगा जिससे मेरे माताजी और पिताजी कहेंगे। गजब बेइज्जती है। और देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि उनको लाइब्रेरी में घुसते ही कौनो लड़की पसंद आ ही जाती है। असंभव। और फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो कितनी बार रूम से बाहर जाती है कब आती है और कब जाती है यही सब ध्यान देने के चक्कर में अपने करियर वाली जो पटरिया है ना उससे 200-300 किलोमीटर दूर चल जाते हैं।